એસ્ટેન્ડ એક બાળા સભી દર્શકાના મારા આડીસુ ઘણો ઘણો રામ રામ આપણી હાડોતીમાં આપ કલારા મૂછું આપકો સાથી રાકેશ આપ ખબરા હાડોતીસું गणेश विसर्जन का दौरान एक नाव पलटी खागी। घटना कुन्हाड़ी चंबल नदी की चा। इस दौरान नाव में कुछ युवक भी सवार चा। हादसा के दौरान कुछ युवक तो तैरर बारख डया, लेकिन कुछ युवक डूब बल्ला गया तो पाचसु आरी दूसरी नाव में सवार युवकाना वहां का ताई बचा लियो। तस्वीर में आप देख सको जो की तरीका सु मछुआरा की नाव में युवक गणेश की प्रतिमा का ताई विसर्जित करवा के लेकर ले जा रहा है। इस दौरान एक युवक ने प्रतिमा का ताई विसर्जित करवा के लेकर नदी में छलांग लगा दी, जिसु नाव को बैलेंस बगड़ गयो और नाव अचानक पलटी खा गई। जिसु नाव में सवार युवक भी डूबा ला गया, इमा दूसरा युवक भी डूबा ला गया पर वहां का ताई बचा लियो। यो वीडियो कुन्हाड़ी माताजी रोड को छ। हालांकि एसटीएन की कतई पुष्टि न करा, लेकिन गनीमत री के कोई डूबियो कोई ना, वरना बड़ो हाथ तो भी हो सको जो। कोटा में रिश्ता को कत्ल होबा को मामलो सामने आयो छ। शहर का गोविंदनगर में कलयुगी बेटा ना अपना ही पिता की लाठी सु पीट पीटर हत्या करना की। घटना के बाद पूरा मोहल्ला में सनसनी फैल गई और रिश्ता का खून की इस तस्वीर को देखकर हर कोई अचंभित रह गयो। घटना देर रात की थी, जब नशा में धुत 25 वर्षीय रोहित ना उनका पिता मुकेश की लाठीसू पीट पीटर हत्या करना की और उनका ताए मौत का घाट उतार दियो। वारदात के बाद परिजन घायल मुकेश का ताए एम्बेस अस्पताल ले गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत होगी। सूचना मिल बापो उद्योग नगर थाना पुलिस ने मौकासु हत्या का आरोपी रोहित का ताए गिरफ्तार कर लियो। जानकारी के मुताबिक हत्या का आरोपी रोहित नशा को भी आदि चो और अक्सर भांग का नशा में रहो। काल रात भी उन्हें भांग खाई हुई थी और अपना पिता मुकेश सु जगड़बा लागो, तभी वहां रखी लाठी सु उन्हें मुकेश का सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। इस मुकेश लड़खड़ार लवलुआन होर नीचे गर पड़ियो, जिसने परिजन अस्पताल लेरबा गया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दियो। जी भैया वो गया, रोज मारपीट करता था, इससे भांग खाता था और मारता था उसको, जब भी नशा करता था जब भी लड़ता था उससे, और ये बोलता था कि जान से मारूंगा तेरे को, तो जान से मार दूंगा, बस यही कारण है। कल वो ऐसे टॉयलेट करने जा रहा था तो नशा करके आया ना रोड पे से, आते ही सामने से इसने लटकी दे ली, दे के पटक दिया, पटक के दो तीन और दे ली, उसके बाद में भी पत्थर डाल दिया उसके ऊपर। सिवैया फैक्ट्री, काली माता सिवैया फैक्ट्री के सामने जो हरिजन बस्ती है, वहाँ पर रात्रि के समय रोहित नामक लड़का, जिसने अपने पिता महेश सनव बाबूलाल जाति वाल्मीकि उम्र 50 साल के साथ मारपीट की लकड़ी से, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस पर थाना उद्योग नगर पर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसकी जांच कार्रवाई जारी है। कोटा का आरकेपुरम थाना इलाका का टेगोर नगर में अवैध खनन कर बनाया गया गड्ढा में भरिया पानी में डूब बासु दो भाइयों की मौत होगी। पुलिस ने सूचना पर मौका पर फूगर धोनी बच्चा का शव कताई पानी से बाहर खड़वायो और पोस्टमार्टम करवा बग लेकर अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवायो, जहां शवा को पोस्टमार्टम करवा शव परिजना का सुपुर्द कर दिया गया। टैगोर नगर निवासी अफरोज और अफजल घर का पास में ही बढ़िया पानी का गड्ढा में खेल रहा था, जहाँ अचानक डूब बासु वहाँ की मौत होगी। पिता जब काम से लौटा तो बच्चा के बारे में पतो करियो, तो पतो चालियो का बच्चा पास में ही खेल रहा था और पानी का गड्ढा में देखा तो बच्चा पानी में डूब रहा था। वहीं एसटीएन ने पहले ही दिखाई थी कि की तरीका से अवैध खनन का चलता ये गड्ढा खतरनाक साबित हो रहा था। पूर्व में भी कुछ बच्चा इस तरह की पानी में डूबा की घटना का अकाल मौत शिकार हो चुका है। अब हम तो नहीं देखे, घर हम 7 बजे आए तो घर वाली से पूछे कि बच्चों कहाँ है, काम पर से आए तो 7:30-8 बजे के बीच में दो बच्चे टेगोर नगर में, अफरोज वो दूसरे का नाम क्या नाम था, अफजल, दोनों उम्र 1 8 साल और 1 5 साल, दोनों घर के बाहर खेल रहे थे और खेलते खेलते वहाँ टेगोर नगर में खड्डे हो रहे हैं, उन खड्डों में बरसात का पानी भरा हुआ है, तो खेलते खेलते उन बरसात के पानी में चले गए, गहरे पानी में जाने के कारण उनकी डूबने से मृत्यु। शहर के आरकेपुरम थाना इलाके में पानी के गड्ढे में डूबने से दो भाइयों की मौत हो गई। यह मामला शहर के आरकेपुरम थाना इलाके का है, जहां पर अवैध खनन किए हुए गड्ढे थे, जिनमें बरसाती पानी भरा, जिनमें बच्चे खेलते वक्त चले गए और डूबने से उनकी मौत हुई। एसटीएन ने पहले भी अपनी खबरों में दिखाया था कि अवैध खनन के कारण शहर के कई इलाकों में इस तरह के अवैध गड्ढे हैं जो कि बरसाती पानी से भर जाते हैं।
इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के पीछे उद्देश्य था कि भविष्य में कोई इस तरह का हादसा न हो, कोई बच्चे डूबे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन कोई सुध नहीं ली, अवैध खनन अभी भी जारी है और इन गड्ढों में जो भरा पानी है वो बच्चों की मौत का कारण बना। आगे और कोई इस तरह का हादसा ना हो इसके लिए प्रशासन, वन विभाग व खनन विभाग को कड़े कदम उठाने होंगे ताकि और किसी परिवार का लाल इन तरह के हादसों से न मरे। एसटीएन टुडे के लिए हेमंत नारा की रिपोर्ट। झालावाड़ में चोरा का हौसला बुलंद छ। चोरा ने मामा भांजा चोराया पर वेल्डिंग की शॉप को ताय अपना निशान बनाता हुआ दुकान से करीब 45,000 रुपया को सामान उड़ालियो, लेकिन चोरा की यह करतूत सीसीटीवी कैमरा में कैद होगी। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर फुटेज का आधार पर चोरा की तलाश शुरू कर दी छ। गोदाम की तराई निवासी जाहिद खान ने पुलिस को ताई रिपोर्ट में बतायो कि दो दिन पहले उनकी दुकान से वेल्डिंग के मशीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर सहित अन्य सामान चोर ले भाग्या। उटियाडी बाराकांता में भी कोरोना से एक के बाद एक मौत का मामला सामना आबा के बाद प्रशासन अलर्ट हो रहे छ। प्रशासनिक अधिकारियों ने पंचायत समिति सभागार भवन में व्यापार महासंघ के साथ बैठक आयोजित करी जेमा कोरोना महामारी की रोकथाम ने लेकर सख्त कदम उठावा को निर्णय लियो गयो जिसो कस्बा को कोरोना की महामारी से बचायो जा सक। बैठक में हाट बाजार के ताई बंद राखबो, दुकाना पर बना काम का भीड़ न होबो, बाइक को प्रयोग केवल सिंगल आदमी के द्वारा ही करबो, बेवजह बाजार में भ्रमण न करबो तथा रात में 8 बजे के बाद मोहल्ला में एकत्र होबा वाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवा को निर्णय लियो गयो। साथ ही कस्बा का मुख्य मार्ग पर पुलिस जाप्तो तैनात करर बना मास्क का घूमबा वाला लोगों का चालान फड़ाबा को निर्णय भी लियो गयो। ये बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि रात को 8:30 बजे के बाद में कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर घूमता हुआ नहीं मिलेगा। दूसरा, दुकानों के ऊपर अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति भीड़ नहीं बनाएगा, बैठे नहींगा फालतू। जिसको जो सामान लाना है या और कोई काम है तो उस काम की पूर्ति के बाद में वो वहाँ से सीधा कर जाएगा। हमारी टीमें राउंड द क्लॉक पूरे अंता कस्बे में बार बार राउंड करके और ये सुनिश्चित करेगी कि अनावश्यक रूप से लोग नहीं घूमेंगे, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। जुआ सट्टा के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करता होया महादेव गार्डन का 504 जुआरिया के ताय राशि के साथ में गिरफ्तार करो। एसआई ललित पारी के अनुसार शेरू खान मोहम्मद, रईस सिराज, हामिद के ताय जुआ खेलता हुआ पकड़िया छ। यहाँ का पास 3100 रुपया जुआ की राशि भी बरामद की गई। आरोपिया पर 13 RPGO के तहत मुकदमो दर्ज करो गयो छ। छिपा बड़ोद पुलिस ने अवैध शराब समेत एक युवक कताई पकड़ो छ। अधिकारी रामस्वरूप मीणा का नेतृत्व में प्रभावी कार्यवाही करता हुआ उपखंड के करनाल तिराया सु अवैध देशी शराब का 48 पौवा समेत करनाल जागीर निवासी 30 वर्षीय फूलचंद बंजारा कताई गिरफ्तार करो छ। वहीं आरोपी के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज करो गयो। बूंदी का राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़िया छात्र छात्रा और कोरोना काल में बेटी बचाबा और बेटी का पढ़ाबा को संदेश दे रहा छ। छात्रा ने नुक्कड़ नाटक के जरिए ग्रामीणों को ताई कोरोना से भी जागरूक करबा को संदेश दियो। 3 माह से ये सभी वॉलेंटियर छात्र छात्रा नुक्कड़ नाटक का माध्यम से वीडियो बना उन्हें सोशल साइट का माध्यम से प्रसारित कर रहा छ। देखिए, समाज में काफ़ी ज़्यादा जो व्यापक समस्याएं हैं, हमने उनको बस एक प्रदर्शित करने का जरिया देखा है। सोशल मीडिया के माध्यम से अभी हम कर सकते हैं क्योंकि कोरोना ने देश का अभी बर्बाद किया हुआ है, तो थोड़ा हमें भी समझना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये एक शुरुआत हो कि हर महिला को उसका अधिकार मिले, तो ये शुरुआत हम सभी अपने अपने घरों से करें। झालावाड़ शहर में बिना मास्क का घूमबावाड़ा पर पुलिस ने सख्ती दिखाई छ और झालड़ा पाटन तहसीलदार समेत पुलिस कर्मियों ने शहर का कई बाजारों में जारर बिना मास्क का घूमबावाड़ा वाहन चालका और पैदल घूम रहे लोगों का भी चालान काटा। आगसु सार्वजनिक जगह और बाजारों में बिना मास्क का घूमबावाड़ा पर ताई घर से बाहर खटबा की सख्त हिदायत दी छ। गौरतलब छ कि झालावाड़ जिला के अंदर कोरोना को संक्रमण दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही छ। पासला 24 घंटा का अंदर ही 177 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुका है। वहीं पूरा झालावाड़ जिला की बात करा तो अबारताएं 2237 भी ऊपर केस सामा आ चुका है।
झालावाड़ जिला में सचिन पायलट को जन्मदिन कताए ऐतिहासिक बनाबा का लेकर झालावाड़ का कांग्रेस नेता शैलेन्द्र यादव उर्फ कालू भैया जी ने जी जान से जुटे हुए छ। 7 सितंबर को झालावाड़ खंडिया के पास में विशाल रक्तदान शिविर यहाँ आयोजन करो जाओगो, जहाँ जिला भर से लोग यहाँ रक्तदान शिविर में हिस्सों लेगा। एक लेकर आज शैलेन्द्र यादव जी ने जयपुर में सचिन पायलट से भी मिलिया और वहाँ का जन्मदिन की बधाई भी दी। साथ ही वहाँ का जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाबा को लेकर विशाल रक्तदान शिविर लगाबा की जानकारी भी दी। सचिन पायलट ने पोस्टर को विमोचन भी करियो और शैलेन्द्र यादव से जिला का हाल चाल जाना और कोरोना खत्म होबा पर झालावाड़ दौरा पर आबा की बात भी की। तो अपनी हाड़ौती में आज अतनो ही खाल, फेर मिलेंगा नई नई ताजा तरीन खबरा का साथ में। तब तक आपका साथी राकेश ने दियो अनुमति। राम राम।